हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पंपकिन की सब्जी। पंपकिन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख लिया है। अब इसको हम गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें 4 चम्मच के लगभग तेल डालते हैं, 3 से 4 चम्मच। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 के लगभग हींग डालते हैं। अब हम इसमें 1/2 स्पून के लगभग जीरा डालते हैं और सरसों मतलब राई 1/2 स्पून, इसको चटकने दो। अब हम इसमें 1 मिर्ची, रेड चिली मिर्ची, 15 से 16 कलियां लहसुन के, अब इसको भी पकने देते हैं। 1 बड़े साइज का हमने प्याज चॉप कर लिया है बारीक, उसे भी ऐड करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। अब इसको पकने देते हैं 2 से 3 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं पंपकिन। पंपकिन हमने पहले से ही काट लिया है अच्छी तरह से, काट करके बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने देखिए काट लिया है इसको। ये लगभग 1/2 किलो है। मैं अब इसको ऐड करती हूँ इसमें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें 1 आलू ऐड करती हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको ढक करके अच्छी तरह से पकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ढक दिया मैंने। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा थोड़ा हल्का गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाला। 1 स्पून हल्दी छोटे वाले स्पून से, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून ये एवरेस्ट का गरम मसाला है इसको ऐड कर, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, आप इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं, 1/2 स्पून नमक, ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप सब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा मसाला हम यूज नहीं करेंगे, सिंपल और टेस्टी बनेगा ये। एक बार आप लोग जरूर घर पे बनाएं, पराठे के साथ या रोटी के साथ या पूरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हम इसको खा सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। देखिए मिक्स हो चुका है। इसको अच्छी तरह से ढक देते हैं, इसको पकने देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पंपकिन की सब्जी बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं धनिया पत्ती। ये देखिए फ्रेंड्स, पक करके हमारा पंपकिन की सब्जी रेडी हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पंपकिन की सब्जी बन करके रेडी हो चुका है। आसान है ये सब्जी बनाने में, बहुत ही आसान है और इससे खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर। आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। Thank you.